ग्रेटर नोएडा में जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों ने हंगामा किया है। इस दौरान भारी संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ता पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अपनी मांगों को लेकर किसानों ने नारेबाजी की है। वहीं मांगे पूरी न होने पर किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ग्रेटर नोएडा जिला कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों किसान एकत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं और जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि उनके ऊपर जबरन फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, उनकी जमीनों पर भूमाफिया कब्जा कर रहा है और अवैध तरीके से कॉलोनियां बसा रहे हैं, जिसके चलते वो अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जिला मुख्यालय पर पहुंचे। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों सहित जिले के संबंधित अधिकारियों से की है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण किसान आंदोलन करने को मजबूर है। और हमारा ये मुद्दा है कि पुलिस प्रशासन की तानाशाही चल रही है इस जिले में। जब से ये सरकार आई है, जब से कमिश्नरेट लागू हुई है, पुलिस प्रशासन ना किसी को समझ रहा, ना किसी को पहचान रहा। आए दिन हम पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उन मुकदमे के विरोध में, और हमारी जो किसानों की जमीन हड़पी है, भूमाफिया है मठरू नागर, उनके विरोध में, और एक पवन खटाना है उनके दबाव में, प्रशासन आए दिन हम पर मुकदमे 307 के लगा रहा है। उसको लेकर के अनिश्चितकालीन धरना चलेगा।